जियो डीटीएच को भूल कर भी मत लेना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। सारे पैसे हो जाएंगे आपके बर्बाद। क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपको बहुत सारे चैनल जो हैं बताते रहते हैं कि भैया सेटअप बॉक्स लॉन्च हो गया है जियो का और उसमें आपको बहुत ही फ्री मिल रहा है, पूरे महीने फ्री, 6 महीने फ्री, 200 रुपये में महीने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको रियल टेस्ट बताते हैं। हमने ले लिया है एक जियो का सेटअप बॉक्स और इस तरह के बॉक्स में ये हमको मिलता है और इसमें क्या क्या मिलेगा साथ में इसे कर देते हैं अनबॉक्सिंग। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से टीवी में लगाने के बाद टीवी पे किस तरह का इंटरफेस आता है, कौन कौन से चैनल मिलेंगे आपको, क्या आपको लेना चाहिए, कितने का रिचार्ज है मंथली का, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं, पहले इसको अनबॉक्सिंग, उसके बाद बाकी सारी डिटेल। तो ये रहा सेटअप बॉक्स, इसको हम जब ओपन करते हैं तो इसमें इस तरह कुछ मिलता है आपको। यहाँ पे एक सेटअप बॉक्स, इसका बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगी एलईडी लाइट जो कि ग्रीन ऑन होने पर रखती है ग्रीन। यहाँ पे आपको जियो का लोगो मिल जाएगा। पीछे की साइड बात करेंगे तो हम यहाँ पे मिल जाएगी एक आरएफ लिंक जो कि नॉर्मल जो जिस एंटीना होता है छत से जो आ रहा होता है वो इसमें लगा सकते हैं आप। और सेकंड पोर्ट मिलता है, ये बोलते हैं इसको, कुछ लाइट्स से रिलेटेड कुछ होता है, वो नाम प्रॉपर नहीं बता मैं, चलिए। और उसके बाद मिल जाएगा हमें ये HDMI पोर्ट जो कि आपकी LED TV में हो जाएगा कनेक्ट। ये है लैन केबल, यदि आप वाई, ये वैसे तो जो आपका जियो का राउटर लगा हुआ है उससे वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। यदि आप वो चाहते हैं वाईफाई से कनेक्ट ना करें, तो राउटर से सीधे केबल लाएँ, तो वो इसको आप केबल में लगा सकते हैं। दो पोर्ट दिए हैं USB के लिए, तो इनमें आप अपनी USB में पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसमें जो मूवीज सीरियल जो भी आते हैं वो आप आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, केवल पोर्ट दिए हैं, बट सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद शायद वो आ जाएगा। बाकी सॉफ्ट बॉक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे मिल जाती है हमें HDMI केबल मिलेगी, एक नेटवर्क की केबल मिलेगी जो कि आप अपने मॉडेम से जो आपका राउटर लगा हुआ है जियो का उससे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मिलता है आपको एडाप्टर, बाकी बॉक्स में इतना ही कुछ मिलता है। तो इसको हम कर देते हैं इसके अंदर। साथ में आपको कार्ड वगैरह भी मिलते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह डिटेल वगैरह मिलती है, इसको आप पढ़ सकते हैं, मोस्टली लोग पढ़ते नहीं हैं। इसमें लिखा होता है किससे से क्या लगाना है, क्या यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके साथ मिल जाती हैं। तो उसको कर देते हैं हम साइड में और देख लेते हैं हम इसके अंदर और क्या खास है। और हम दिखा देते हैं इसका रिमोट। हाँ, रिमोट बहुत ज़रूरी है, इसका खास रिमोट बहुत अच्छा है। तो ये है इसका रिमोट, बहुत छोटा सा रिमोट है, आप इसको रिमोट को देख सकते हैं। इस रिमोट में फंक्शन है ये, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम सही से नहीं करता है, वॉइस है कमांड। इसके लिए आप इसको दबा के अपने वॉइस से कोई सी कोई भाई कोई सा भी चैनल या कोई सा मूवी सॉन्ग कुछ भी प्ले कर सकते हैं। इसको दबाने के बाद आपको बोलना होगा और बोलने के बाद इसको आप आसानी से वो टीवी पे चल जाएगा। रिमोट में एक अच्छी बात ये है कि रिमोट जो है इंफ्रारेड पर काम नहीं करता है, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो आप इस रिमोट को अपने घर में कहीं से भी यूज़ करेंगे तो चल जाएगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको टीवी के सामने ही करके चलाना पड़ेगा। तो इसके रिमोट में ये बहुत अच्छी खासियत है, तो ये है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि जी कितने का आता है ये सेटअप बॉक्स। तो इसकी कोई कीमत नहीं है, यदि आपके पास जियो फाइबर लगा हुआ है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ करना होगा क्या, रिचार्ज, क्योंकि अब ये पेड बंद हो गया है तो रिचार्ज करेंगे। आपको 699 का रिचार्ज है, प्लस टैक्स मिला के 824 रुपये का पड़ता है जो बेसिक पैक है। इसमें आपको मिल जाता है 100 GB 1 मंथ के लिए और सारे चैनल तो मिलते ही हैं साथ में। बाकी इसके बाद जो चैनल आते हैं जो पैक है वो है 1000 रुपीज़ का, उसके अंदर आपको प्लस टैक्स मिला के पड़ता है 1200 रुपये का समथिंग। उसमें आपको अनलिमिटेड और सारा चीज़ें मतलब 400 GB डेटा मंथली मिलता है। तो टीवी पे लगाने के बाद कैसा दिखता है इसका इंटरफेस वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। इस नए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।